नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से विश्व के भूगोल से रिलेटेड प्रमुख देशों एवं नगरों के प्राचीन नाम और विश्व के देशों के भौगोलिक नाम से रिलेटेड MCQs को करेंगे। दोस्तों, इस MCQs को मैंने मैप के थ्रू भी हल करने का प्रयत्न किया है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? तो सही आंसर है जापान। दोस्तों, मानचित्र में आप जापान को देख सकते हैं। ये मुख्यतः चार द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे उत्तर में होकाइडो, फिर होनशू जो एक बड़ा भाग है, फिर शिकाकू छोटा भाग है, फिर क्यूशू। जो जापान की जो का जो कैपिटल है वो है टोक्यो, और इसमें आप क्योटो को भी देख सकते हैं, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल पर्यावरण से रिलेटेड एक प्रोटोकॉल है। और इसके सबसे दक्षिण में नागासाकी है, और उससे जस्ट पूर्व में जस्ट उत्तर में हिरोशिमा है, जो कि होनशू द्वीप पर है। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर है डच ईस्ट इंडीज। दोस्तों, इंडोनेशिया के मैप को आप देख सकते हैं। इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वो जकार्ता है। इंडोनेशिया उत्तर में मलेशिया से घिरा हुआ है, और पूर्व में पापुआ न्यू गिनिया है, दक्षिण में इसके ऑस्ट्रेलिया है। ये 60,000 से अधिक छोटे छोटे द्वीप समूहों का द्वीप एकत्रित द्वीप है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश पहले स्याम के नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर है थाईलैंड। दोस्तों, थाईलैंड के मैप को आप देख सकते हैं। थाईलैंड के मैप में आप देख सकते हैं कि इसका जो कैपिटल है वो है बैंकॉक। थाईलैंड की जो उत्तरी सीमा है वो वियतनाम से लगती है, और बर्मा से लगती है पश्चिमी सीमा, और पूर्व में कम्बोडिया है, और दक्षिण में इसके मलेशिया है। कौन सा देश पहले न्यू ग्रेनेडा के नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर है कोलंबिया। दोस्तों, कोलंबिया आप मैप में देख सकते हैं, ये एक दक्षिणी अमेरिकी देश है। उसके पश्चिम में अंडेज माउंटेन है, और कोलंबिया की जो राजधानी है बोगोटा है। कोलंबिया की जो उत्तर में स्थित देश है वेनेजुएला है। उसके पूर्व में ब्राज़ील है, उसके दक्षिण में पेरू है, तथा उसके दक्षिण पश्चिम में इक्वेडोर है, और पनामा सिटी उसके पश्चिम में स्थित है। तो आप देख सकते हैं कि जो इक्वेडोर है और कोलंबिया है और ब्राज़ील है, इससे इक्वेटर होके गुजरती है, तो कोलंबिया से इक्वेटर होके गुजरती है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीयों को म्यांमार बर्मा किस नाम से ज्ञात था? तो इसका सही आंसर है सुवर्ण भूमि। दोस्तों, म्यांमार को आप मैप में देख सकते हैं। तो म्यांमार के जो उत्तर में वो चाइना है, उसके पूर्व में लाओस है, उसके दक्षिणी पूर्व में थाईलैंड है, और उसके पश्चिम में भारत के साथ वो बाउंड्री साझा करता है। बांग्लादेश का कुछ पार्ट म्यांमार के साथ बाउंड्री साझा करता है। अगला प्रश्न है, किस देश का प्राचीन नाम अपर बोल्टा है? इसका सही आंसर है बुर्किना फासो। दोस्तों, बुर्किना फासो एक पश्चिमी अफ्रीकन देश है, आप इसको मैप में देख सकते हैं। बुर्किना फासो माली, गुएना, कोटे डी आइवरी, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजर और नाइजीरिया के कुछ भाग से सटा हुआ है, तो आप इसे मैप में देख सकते हैं। अफ्रीकी देश घाना का प्राचीन नाम क्या है? इसका सही आंसर है गोल्ड कोस्ट। दोस्तों, घाना जो है टोगो, बुर्किना फासो और कोटे डी आइवरी से घिरा हुआ है। घाना की जो राजधानी है वो एक्रा है। दोस्तों, ये पश्चिमी अफ्रीकन देश है। दोस्तों, नामीबिया का प्राचीन नाम है तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। अब दोस्तों, नामीबिया को मैप में देख सकते हैं। विंडहॉक इसकी कैपिटल है। ये अंगोला, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और जाम्बिया और जिम्बाब्वे से बाउंड्री साझा करती है। नामीब डेजर्ट जो है वो नामीबिया में ही स्थित है, तो ये दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका है। अफ्रीका देश इथियोपिया का प्राचीन नाम है तो अब्सीनिया। दोस्तों, इथियोपिया को आप देख सकते हैं, उसका जो कैपिटल है अदिस अबाबा है। इथियोपिया से घेरने वाली जो देशें हैं वो सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, सूडान, दक्षिणी सूडान, केनिया है। दोस्तों, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया मिलके हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम है क्या है? तो दक्षिणी रोडेशिया। अब जिम्बाब्वे को मैप में देख सकते हैं। दोस्तों, जिम्बाब्वे नामीबिया, जाम्बिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिके से घिरी हुई है, और जिम्बाब्वे का जो कैपिटल है वो हरारे है।
जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? तो जाम्बिया का प्राचीन नाम है उत्तरी रोडेशिया। अब जाम्बिया को मैप में देख सकते हैं, जाम्बिया जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो उसके उत्तर में है, उस फिर तंजानिया, मालावी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, अंगोला, इसके चारों तरफ के देश हैं। जाम्बिया की जो राजधानी है लुसाका है, जो एक जाम्बिया जो है दक्षिणी अफ्रीकी देश है। किस देश का प्राचीन नाम फार्मोसा है? उसका सही आंसर है ताइवान। सूरीनाम का प्राचीन नाम क्या है? तो डच गुयाना। दोस्तों ताइवान को आप देख सकते हैं मैप में, जो ताइवान स्टेट से चाइना से सेपरेटेड होता है, उसकी जो कैपिटल होती है ताइपेई है, उसके दक्षिण में फिलीपियन सी है और उसके उत्तर में ईस्ट चाइना सी है, उसके दक्षिण में साउथ चाइना सी है। दोस्तों आप सूरीनाम को भी देख सकते हैं, उसका जो कैपिटल है वो पारामारिबो है और उसके पश्चिम में गुयाना है और उसके पूर्व में फ्रेंच गुयाना है, उसके दक्षिण में ब्राज़ील है। अगला प्रश्न है, मालावी का प्राचीन नाम है? तो न्यासालैंड। ज़ायरे का आधुनिक नाम क्या है? तो कॉन्गो राज्य गणराज्य। दोस्तों आप मालावी को देख सकते हैं, जो लेफ्ट साइड में है वो मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया से घिरा हुआ है और इसका जो कैपिटल है तो बिन्यातिने है इसका कैपिटल। नहीं दोस्तों, इसका कैपिटल है लिनिंगोए, इसका कैपिटल है। जो राइट साइड में मैप है वो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का है, उसमें जो सटे देश है वो है गैबन, कैमरून, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, काबिंडा जो अंगोला का पार्ट है, तो आप इसे स्टडी कर सकते हैं। मालागासी का प्राचीन नाम क्या है? तो मेडागास्कर। इराक का प्राचीन नाम है मेसोपोटामिया। दोस्तों मेडागास्कर को आप मैप में देख सकते हैं, मेडागास्कर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होके पार होता है और इसका जो कैपिटल है अंतानारिवो है और ये मोजाम्बिक चैनल के थ्रू मेन अफ्रीकन लैंड से सेपरेटेड होता है। आप राइट साइड में इराक को देख सकते हैं। दोस्तों जो इराक है उसमें दो रिवर फ्लो करती है, इफ्रेट्स और टिग्रिस, और इराक की जो कैपिटल है वो बगदाद है। इराक जो है पश्चिमी ओर से सीरिया, उत्तर से तुर्की, पूर्वी से ईरान और कुवैत और सऊदी अरेबिया और जॉर्डन के साथ सीमा बनाती है। मलेशिया का प्राचीन नाम है मलाया। आप मलाया मलेशिया को देख सकते हैं मैप में। दोस्तों उसकी जो राजधानी है वो कुआलालंपुर है, जो उसके दक्षिण में है वो इंडोनेशिया है दोस्तों, और जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में जो स्ट्रेट है आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, उस स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहलाया जाता है। संयुक्त अरब गणराज्य का प्राचीन नाम है? तो इजिप्ट। श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है सिलोन। दोस्तों आप मैप में श्रीलंका को देख सकते हैं, वो पाक स्ट्रेट से भारत के साथ सेपरेट होती है, उसके सबसे उत्तर में जाफना है जो विवादों में रही थी और उसका जो कैपिटल है कोलंबो है, वो एक पोर्ट सिटी है दोस्तों जो पश्चिमी किनारे पर है। उस भारत और श्रीलंका के बीच में गल्फ ऑफ मन्नार भी आता है, तो आप उसे मैप से स्टडी कर सकते हैं। सबसे दक्षिण में दोस्तों आप हम्बनटोटा पोर्ट भी देख सकते हैं, जो हाल ही में जो चाइना उसको डेवलप कर रही थी। नीदरलैंड्स को पहले किस नाम से जाना जाता था? उसका सही आंसर है हॉलैंड। बोत्सवाना का प्राचीन नाम है? तो बेचवानालैंड। आप नीदरलैंड्स को देख सकते हैं दोस्तों, ये यूरोपियन कंट्री है जो बेल्जियम और जर्मनी से घिरी हुई है, उसके पश्चिम में नॉर्दर्न सी है, उससे वो सीमा साझा करती है और इसकी राजधानी जो है एम्स्टर्डम है। आप राइट साइड में बोत्सवाना को देख सकते हैं मैप में, जो साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे से अपना बॉर्डर साझा करती है और उसका जो कैपिटल है जो है वो है गैबोरोन, उसका कैपिटल है। लेसोथो का प्राचीन नाम है? तो वासुटो लैंड। दक्षिण पूर्वी एशिया कंबोडिया का प्राचीन नाम क्या है? तो कंपुचिया। दोस्तों आप लेसोथो को देख सकते हैं मैप में। दोस्तों लेसोथो अफ्रीका की ऐसी कंट्री है जो चारों तरफ से साउथ अफ्रीका से घिरी हुई है, आप इसे देख सकते हैं, साउथ अफ्रीका इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो जो लेसोथो की जो कैपिटल है मासेरू है। आप राइट साइड में कंबोडिया को देख सकते हैं, उसकी कैपिटल फनोम फने है, जो वियतनाम से, लाओस से, थाईलैंड से बाउंड्री साझा करती है। किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है? तो इसका सही आंसर ईरान। पुरानी कॉलोनी नॉर्दर्न रोडेशिया का नाम क्या है? तो जाम्बिया है।
आप इस पर्शिया को देख सकते हैं दोस्तों, जिसे ईरान कहा जाता है, उसका जो कैपिटल है तेहरान है। जो पर्शिया है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, टर्की और इराक से बॉर्डर साझा करती है दोस्तों। वो उत्तर में कैस्पियन सी से साझा करती है और दक्षिण में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से साझा करती है अपनी बॉर्डर। सूची को सूची दो के साथ सम्मिलित करना है दोस्तों। सूची के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चुनाव करना है दोस्तों। तो सियाम जो है पुराना नाम है थाईलैंड का, फार्मोसा ताइवान का, मेसोपोटामिया इराक का और बर्मा म्यांमार का। तो डी ऑप्शन सही है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम क्या है? तो बटाविया है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे का प्राचीन नाम क्या है? तो सैलिसबरी है। अमेरिका नगर केप कैनेडी का प्राचीन नाम है? तो केप कैनरवेल। ज़ाइर की राजधानी किनशासा का प्राचीन नाम क्या है? तो लियोपोल्ड विले। रूसी नगर लेनिनग्राद का प्राचीन नाम क्या है? तो पेट्रोग्राद है और सेंट पीटर्सबर्ग है। जाम्बिया की राजधानी बांजुल का प्राचीन नाम क्या है? तो बाथर्स्ट है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम है? क्रिस्टीना। तुर्की की राजधानी अंकारा का प्राचीन नाम है? अंगोरा। निम्नलिखित में से किस नगर का प्राचीन नाम सैगान है? तो होशी मिन सिटी। चीन की राजधानी बीजिंग का पूरा नाम है? पिकिंग। दोस्तों होशी मिन जो है वो एक चाइना के एक शासक थे। जायर का पुराना नाम था? तो कॉन्गो। दोस्तों अब हम लोग विश्व के देशों के भौगोलिक उपनाम के बारे में कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर श्रीलंका। दोस्तों श्रीलंका में नीलम, रक्तमणि, पूर्वराज जैसे माणिक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ समुद्र से मोती निकालना काफ़ी लोकप्रिय है, इसलिए इस द्वीप को पूर्व की मोती भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा देश सरगाओं का स्वर कहलाता है? तो इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है थाईलैंड। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश है? तो इथोपिया, सोमालिया, जिबूती। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया और जिबूती है। निम्नलिखित देशों में से किसे मगरिब के नाम से जाना जाता है? तो उसका सही आंसर है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिशिया। दोनों इन दोनों प्रश्नों के बारे में हम लोग आगे मैप से भी देखेंगे। विश्व के हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो दक्षिण कोरिया। दोस्तों जो बाईं तरफ मैप है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का है, जिसमें इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया आप देख सकते हैं जो कलर किया हुआ है। और राइट साइड में जो मैप है वो मगरिब के नाम से जाना जाता है। इसमें लीबिया, ट्यूनिशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा और मॉरिटानिया है। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? इसका सही आंसर है कॉन्गो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है फ्रांस। बेनेलक्स देशों में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो बुल्गारिया। चढ़ते सूरज का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? तो जापान को। कौन सा देश सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो क्यूबा। किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है? उसका सही आंसर है तुर्की। दोस्तों 19वीं सदी में इस साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया लगातार बढ़ती रही। धीरे धीरे तुर्की की हालत इतनी खराब हो गई कि इसे लोग यूरोप का मरीज कहने लगे। किस देश को एंटलीज का मोती के रूप में जाना जाता है? उसका सही आंसर है क्यूबा। निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है फिनलैंड। दोस्तों फिनलैंड को झीलों की वाटिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लगभग 187,000 से भी ज़्यादा झीलें हैं। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? इसका सही आंसर है जापान। कौन सा देश अर्धरात्रि के सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है नॉर्वे। दोस्तों नॉर्वे में आधी रात को सूरज छिपता जाता है, वो भी महज 40 मिनट के लिए। इसके बाद रात के करीब 1:30 बजे चिड़िया चहचहाने लगती है और सूरज फिर से निकल आता है। सूरज के निकलने का यह सिलसिला एक दो दिन नहीं, साल में करीब 2.5 महीने तक चलता है। यह कारण है कि इसे अर्धरात्रि के सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है। यह घटना इसके आर्कटिक सर्कल के समीप होने के कारण भी होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे डूबते हुए सूरज के देश के उपनाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ब्रिटेन। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से किसे अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो आइसलैंड। निम्नलिखित में से किसे पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है? तो लेबनान। निम्नलिखित में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? फिनलैंड, हमने पहले देखा। तड़ित झंझाओं का देश के नाम से जाना जाता है कौन? भूटान। स्वर्णिम पेगोड़ा का देश के नाम से जाना जाता है कौन? म्यांमार। एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है? तुर्की। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? वेनेजुएला को। किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? तो ब्राज़ील को। कंगारुओं का देश के नाम से अभिहित किया जाता है कौन? ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किसे लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है? वेनेजुएला को। निम्नलिखित में से किसे यूरोप का अखाड़ा के उपनाम से जाना जाता है? तो बेल्जियम। दोस्तों मध्ययुग की समाप्ति से लेकर 17वीं सदी तक बेल्जियम वाणिज्य और संस्कृति का समृद्ध केंद्र था। 16वीं शताब्दी से लेकर 1830 में बेल्जियम की क्रांति तक यूरोपीय शक्तियों के बीच बेल्जियम के क्षेत्र में कई लड़ाइयां लड़ी गई, जिससे इसे यूरोप के युद्ध के मैदान का तमगा मिला।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड। मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है आयरलैंड। निम्नलिखित में से किसे केको का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो स्कॉटलैंड। मैपल लीफ का देश के नाम से कौन जाना जाता है? तो कनाडा। कौन सा देश विश्व का कहवा पात्र के नाम से जाना जाता है? तो ब्राज़ील। येलो पेरिल के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? चीन। सेकेंड न्यूफाउंडलैंड के नाम से प्रसिद्ध है? जापान। यूरोप को भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? इटली। संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है? इटली। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का जो मैक्सिमम एरिया है वो एरिया एक डेजर्ट के रूप में है। उसके जो पूर्वी तट के एक बहुत ही पतले से पट्टे पे सारी की सारी जनसंख्या निवास करती है, मैक्सिमम जनसंख्या निवास करती है। तो रेस्ट ऑफ द प्लेसेस जिसमें विक्टोरिया डेजर्ट है तो उसी के लिए इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। फ्योर्ड तटों का देश किसे कहा जाता है? तो उसका सही आंसर है नॉर्वे। दोस्तों भूविज्ञान में फ्योर्ड सागर से जुड़ी हुई एक प्रवेशिका होती है जिसके किनारों पर तीखी ढलानों वाली ऊंची चट्टाने या पहाड़ियाँ होती है। आमतौर पर इनका निर्माण ग्लेशियर द्वारा मार काटने से हुआ होता है। ऐसी स्थलाकृतियाँ नॉर्वे में प्रचुर मात्रा में व्याप्त है इसलिए इसे फ्योर्ड तटों का देश भी कहा जाता है। चावल का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। विश्व किस देश को नील नदी को उपहार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है मिस्र। विश्व का कौन सा देश पवन चक्की की भूमि कहलाता है? नीदरलैंड, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा विंड टर्बाइंस हैं दोस्तों, इसीलिए उसे पवन चक्की की भूमि कहा जाता है, जिससे कि पवन ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न की जाती है। श्वेत रूसी गणतंत्र के नाम से भी जाना जाता है? बेलारूस। कौन सा देश हजार पहाड़ियों का देश कहलाता है? तो अफगानिस्तान। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? कोरिया। जिन देशों में समानता बाल्टिक देश कहा जाता है उनके समूह में कौन कौन सा देश शामिल है? तो एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। इसे हम मैप से देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा समूह हार देशों का क्षेत्र कहलाता है? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। दोस्तों आप बाल्टिक सी के पूर्वी भाग में देख सकते हैं जो इस्टोनिया है, लटाविया और लिथुआनिया है, ये तीनों देश हैं सर जो उस प्रश्न के उपरी में थे, तो उन्हें बाल्टिक देश कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कृषि की प्रधानता तथा हिमालय की भांति आल्प्स पर्वत की उपस्थिति कारण यूरोप का भारत कहलाता है? तो इटली। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय निम्न देशों का देशों में शामिल नहीं? तो स्वीडन शामिल नहीं है। अफ्रीका का सिंह यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में किसे सम्मिलित नहीं किया? तो सूडान को। तो मैंने कहा था दोस्तों इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया और जिबूती, ये चार देश हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं। 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से कौन जाना जाता है? तो लाओस। पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है कौन? फिलिस्तीन। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है? तो पिक्सबी यानी हर्मिट किंगडम दक्षिण कोरिया को कहा जाता है। संगमरमर की भूमि इटली को कहा जाता है। सेकेंड न्यूफाउंडलैंड जापान को कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ साझा करता रहूं। दोस्तों इस तरह का प्रश्न विभिन्न एग्जामों जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस में काफ़ी उपयोगी होते हैं, स्टेट सर्विस कमीशन में भी काफ़ी उपयोगी होते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।